मैं ताडे लई दवाई कर सकदा, बाकी मैं कोई किसी दे पैसे निकल गए तो असीं कोई लैके तो नहीं देने, वो तो पुलिस का काम है। मगर मेरा यकीन बड़ा उच्चा है कि जो ताडे डी पी ओ साहब आए ना तारक अजीज संधु साहब, ये जट पोते, ये चोरां नूं घरों फड़ लिया, डकैतां नूं घरों फड़ लिया। हाँ जी, मैं बहुत पुराना जानना है इज्जत माफ डी पी ओ उकाड़ा जनाब, ये बिहारी में रहे वहाँ अमन हो गया, ये कसूर में रहे बड़े बड़े बिगड़े तिगड़े सीधे कर आए कसूर। मैं उत्थे एक यतीम खाना बनाया है, एक मैं फैसलाबाद बनाया है, तो उत्थे कोई भी लावारस बंदे जिस तो मेरे सेंटर च घलदे सी उत्थे। ये बहुत काबिल अफसर ताडे जवान यंग ब्लड और आवाम दोस्त डी पी ओ है। मैं इसलिए उन्होंने तस्करा कर रहा है कि तुसी हुण इह ज़हन च रख लो कि शायद कुछ चोरी होए डकैती होए जिधर भी होवे रावी दे इलाके च किते भी, बस तुसी एक रात डी पी ओ साहब कोल पेश होना है, ते बस ओ जाने ते सचो जाने। बहुत आवाम दोस्त डी पी ओ काड़े दे अंदर, हर मैं बल्कि पूरे पाकिस्तान की दुआ करना है कि अल्लाह पाकिस्तान के हर अफसर को तौफीक दे कि अवाम सोई हो तो अफसर जागरा हो और अपनी अवाम के जानो माल के तहफ़ के लिए वो आर्डर दे रहा हो एस एच ओ साहबान को कि गश्त पे निकलो, गश्त पे निकलो। मगर जितने मेरे दोस्त बच्चे खड़े, आप अपनी पुलिस से प्यार किया करें, रेंजर से, फौज से, जितनी भी दुनिया में हमारी फोर्सेस हैं। और मैं फोर्सेस को भी अपील करूंगा कि आप भी अवाम से मोहब्बत किया करें, पाक फौज है ये मज़ारों का इलाका, इनसे प्यार किया करें। तो ये आपकी ज़मीन संभालिए, इन्होंने कौन सा इसको को आग लगाई हुई, यहाँ से रोज़ी कमाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, तो मुल्क तो खुश होना देखना चाहिए ना। तो इसी तरह रेंजर है, उसको भी चाहिए बॉर्डर पर जब अवाम जाए तो उनसे प्यार करे। तो पुलिस को भी चाहिए कि जब आवाम थाने में जाए तो उनसे प्यार करे, मुजरम से उसका जुर्म उगलवाए, और जो आवाम मजलूम बन के वहाँ जाए उसको अच्छी कुर्सी भी बैठाए और उसका साथ दे। और ये डी पी ओ तारक अजीज साहब को मैंने अपनी आंखों से देखा है, वहाँ एक पागल आदमी कसूर मेरे सामने खड़ा, एक एक मिनट में दस दस बातें करे ऊट पटांग, मगर इन्होंने उसको बैठाया भी, कुर्सी भी दी और चाय भी पिलाई, कॉफी भी पिलाई। तो ऐसे अफसर जो है ना, उनकी हौसला शिकनी नहीं करनी चाहिए। मैं दुआ करना है कि अल्लाह ताडे इलाके चो आए ने काड़े च अमन भी होवे, ते जिन्हां दा हक मरिया हक लैके देण दी तौफीक अता फरमाए। कहो आमीन। पैगाम प्यार दा देना है, जिथे होवे एक कमला उहनूं समझावे वेड़ा, जिथे होवे वेड़ा कमला उहनूं समझावे केड़ा। मैनूं उम्मीद है अफसर चंगा आ जाए ना उत्ते, सारे थले अफसर सीधे हो जाते, क्योंकि उन्हों का वड्डा अफसर चंगा होंगे, उन्होंने सारे गुडविल चाहिए होंगी है कि हाँ भाई अपने अपने इलाके की डायरी पेश करो। तो कितने बंदे हैं, मैं दुआ करता हूँ तुसा बूहे बंद करके सौना है, ये नहीं आखना भी नासर मदनी कहेगा बूहे खुले ही छड़ दो ते डी पी ओ जाने तो चोर जाना, नहीं नहीं। नबी पाक ने भी फरमाया है, सुन्नत रसूल है कि तुसी अपनी शह ताला मार के, कुंडा मार के, ऐतल कुर्सी पढ़ के अल्लाह की सबुरद करना है, तो फिर अल्लाह पाक अपनी इज्जत मान च रखता है। क्योंकि अजकल दे लोग ओ ईमानदार नहीं गए कि रात किसी का डंगर कट्टा वच्छा खुलना तो उन्हें रस्सा फड़ के आखना तुहाडा डंगर वारा होया है तो तुसीं इहनूं बन लो। हुण तो ईमानदार इंज दे ने कि उत्थों ही लद के शाहपुर लाहौर लै जांदे ने, भी लब्भी चीज़ खुदा दी ना धेले दी ना पा दी, इहो कुछ करदे। आ मस्जिद च जुत्ती तुहानूं कहनी पैंदी भी उस नुक्कर च रखी आ, उत्थे रखी आ, उत्थे रखी, गलास नहीं छड्डदे, सोलंग दीआं इट्टां नहीं छड्डदे, बोलो इंज नहीं का, आ जुत्तियां नहीं छड्डदे। कोई हाल नहीं, मस्जिदां च गलास ला दो, कूलर ना कूलर लै के, अब्दुल गफीर खबीर साहब इत्थे पखा लाओ उहदी राखी करनी पैंदी, आ मस्जिद च बाहर पखे ला दो उहदी राखी करनी पैंदी, बूआ लाउणा पैंदा। मैं दुआ करना है अल्लाह मुल्क पाकिस्तान च अमन पैदा फरमाए। कहो ना आमीन, आमीन।
ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਪਿਆਦੇ ਦੇਸੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣੀਆਂ ਡਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਮਿਲਣੀ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੀਪੀਓ ਤਾਰਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਾੜੇ ਵਾਲੇ ਸਵੇਰੇ ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀਰਾ ਜਵਾਨ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਡਕੇਤ ਗੋਲੀਆਂ ਕਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜਵਾਨ ਐਸ ਐਚ ਓ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀਰਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਰਨਲ ਜਨਰਲ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਵੀਰਾ ਕੈਪਟਨ ਫੌਜੀ ਹਵਾਲਦਾਰ ਨਾਇਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨਾਇਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਸੱਕਰ ਲਾਵੇ ਵੀਰਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਕੇਤ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਬਿਆਂ ਦਾ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਫੌਜੀ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਲਦ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ ਯਜ਼ਮਾਨ ਮੰਡੀ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਮੈਨੇ ਉਸਕੋ ਬੇਟਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੈਨੇ ਬੋਲਾ ਬੇਟਾ ਆਜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕੀ ਬਾਤ ਮੁਝਸੇ ਕਰਨੀ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ ਮੁਝਸੇ ਰੋਤ ਰਾਤ ਮੇ ਮੈਂ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੋ ਯੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਯੇ ਰੇਂਜਰ ਵਾਲੇ ਯੇ ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਯੇ ਤੁਮਾਰੇ ਲੀਏ ਨਹੀਂ ਲੜਤੇ ਮੁਲਕ ਕੇ ਲੀਏ ਲੜਤੇ ਹੈ ਖੁਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਤੇ ਇਨਕੇ ਬੱਚੇ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਤਨਹਾ ਕੇ ਲੀਏ ਕੌਣ ਜਾਨ ਦੇਤਾ ਹੈ ਯੇ ਤੋ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਕੇ ਲੀਏ ਜਾਨ ਦੇਤੇ ਮੁਲਕ ਕੇ ਲੀਏ ਜਾਨ ਦੇਤੇ ਇਨਕੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਆ ਕਰੋ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਆ ਕਰੋ ਆਪਕੋ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੋ ਆਜ ਇਸ ਮੁਲਕ ਮੇ ਜਬ ਘਰ ਸੇ ਨਿਕਲੋ ਮਾਂ ਕੀ ਦੁਆ ਲੈ ਕਰ ਨਿਕਲੋ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਡੀਪੀਓ ਤਾਰਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਹਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਸੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਆਪਕੋ ਬੜਾ ਸੁਣਤੇ ਆਈ ਸਲੂਟ ਯੂ ਸਰ ਜੀ ਆਈ ਲਾਈਕ ਯੂ ਆਪਕੋ ਮੈਂ ਮਿਸ ਯੂ ਕਹਤਾ ਹੂੰ 50 ਮੇ ਯੇ ਕਿਨਾ ਕਾੜੇ ਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਗਾਉ ਹੈ ਆਪਕੋ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਆਪ ਬਾਪ ਕੇ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਹੈ ਮਾਂ ਕੇ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਹੈ ਮੈਨੇ ਖੁਦ ਜਨਾਬ ਆਲਾਪ ਕੇ ਜ਼ਬਾਨੋ ਸੇ ਸੁਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੇ ਸੁਣਾ ਹੈ ਵੋ ਅਫਸਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਾ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਤੁਮੇ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਏ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਜੁਮਲਾ